देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए नई मारुति आल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में हो चुकी है। पिछले कई दशकों से भारतीय बाजार में शानदार प्रदर्शन करने वाली इस छोटी कार के नए अवतार को कंपनी एसयूवी या क्रॉसओवर स्टाइल में अब पेश करेगी। अब कंपनी चाहती है कि इसे नए तरीके से और न्यू डिज़ाइन में लाया जाए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग क्रॉसओवर और मिनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी के मुताबिक मारुति के आल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट करा गया है। देखने में इस कार को कंपनी ने क्रॉसओवर स्टाइल का लुक दिया है। मौजूदा समय में भारतीय बाजार में एसयूवी स्टाइल वाली कारों की खासी डिमांड देखने को मिल रही है। रेनॉल्ट क्विड और एस्प्रेसो को भी इसी स्टाइल में पेश किया गया है। माना जा रहा है कि आने वाली इस नेक्स्ट जनरेशन न्यू जेन आल्टो को एस्प्रेसो के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जाएगा और इसे एक मिनी क्रॉसओवर डिज़ाइन दिया जाएगा। इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक तो 800 सीसी और दूसरा 1 लीटर, जो कि 110 bhp की पावर और 150 nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में सक्षम होगा। अगर हम बात करें इस आने वाली न्यू जनरेशन मॉडल के डिज़ाइन के बारे में, तो इसमें आपको फ्रंट में न्यू LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा जो कि स्प्लिट होगा। इसके साथ ही आपको न्यू आल्टो का नया जनरेशन बम्पर देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सुजुकी की ग्रिल और सुजुकी की ग्लोइंग बैचिंग देखने को मिलेगी। बैक साइड की बात करें तो इसमें आपको L आकार के LED टेल लैंप्स देखने को मिलेंगे जो कि DRLs के साथ आएंगे। इसके साथ इस गाड़ी में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। पहली बार होगा जिसमें आल्टो में अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के ये कार 2021 के लिए पूरी नई टेक्नोलॉजी और नए डिज़ाइन के साथ एकदम बोल्ड और लग्जरी होने वाली है और एकदम कम प्राइस में। अगर हम बात करें इसके इंटीरियर की, तो वो बेहद ही बढ़िया और बेहतरीन आरामदायक होने वाला है। इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को ही सपोर्ट कर पाने में सक्षम होगा। अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो इस कार को ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ लॉन्च करा जाएगा। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कंपनी इस कार को इस साल की शुरुआत में पेश करेगी और इसे आने वाले महीनों में बुकिंग के लिए और लॉन्च करने के लिए उतारा जाएगा। अब आखिरी में बात आती है सबसे प्रसिद्ध इसकी कीमत के बारे में। दोस्तों, इसकी कीमत इस सबसे अद्भुत होने वाली है। ये गाड़ी 4 से 5 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च होगी और इसका बेस मॉडल 3 लाख रुपए के अंदर रहने वाला होगा और इसका माइलेज तो तकरीबन कम से कम 35 से 40 किलोमीटर प्रति लीटर का रहेगा। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएगा। दोस्तों, आपको ये न्यू जनरेशन आल्टो कैसी लगी, क्या आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आज के वीडियो का टारगेट रखते हम 750 लाइक का। जल्दी से 750 लाइक के टारगेट को पूरा कर दीजिएगा। अगर आपको इस सुजुकी की नई जनरेशन आल्टो पसंद आए, तो मिलते हैं ऐसी और किसी नई वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।